या अल्लाह, मेरे अर्तुरुल और उसके सिपाहियों की हर तरह की मुश्किलात से हिफाजत फरमा। इस इलाके में वो मलून मंगोल दीमक की तरह फैलते जा रहे हैं, उन्हें खत्म करना हम पर लाजिम हो गया है। हम मशरिक से आए तूफान की तरह तुर्कों पर टूट पड़ेंगे। अर्तुरुल भाई का इन मलूनों के दरमियान रुकना किसी हाल में अच्छा नहीं। मुमकिन है वो रियासत की सालमियत की खातिर खुद को कुर्बान कर दें। इंतकाम लेने का वक्त मेरा है। पिछले 10 सालों में मंगोलों की शोरिश के बावजूद पूरी तवज्जो से मैंने सोद के लोगों को खुशहाल बनाया, लेकिन अपने ही बेटे को दुश्मन का शिकार होता नहीं देख सकता। उस्मान मेरा बेटा, तुर्कों का मकसद अब आजाद रियासत का कयाम है, जो हर सूरत पूरा होगा। चलो भाइयों, पीछा करें इसका। अगर कोई अफरातफरी हुई तो हम उसे ठीक करना जानते हैं। अर्तुरुल को रियासत के अंदर कुछ ताकतें पसंद नहीं करती। फर्ज किसी का इंतजार नहीं करता, हमारी जो जिम्मेदारी है पूरी करेंगे। अगर मुजरिम आपके कबीले के नहीं है तो जल्द तलाश करें असल मुजरिम को। इन पर हमला तुमने किया है। सरदार हूँ इस इलाके का मैं, मुजरिमों को तलाश करो और सजा भी दूंगा उन्हें। सब सुन ले, तुर्कों के दरमियान आग लगाकर किसी ने काई सिपाही पर तलवार उठाई, उन्हें आपस में लड़वा दिया हमने, तो सजा सिर्फ मौत होगी। हमें सिर्फ कुंदूस की जिंदगी चाहिए थी, मगर अब उस्मान भी सद में आ चुका है। ये हमारे खिलाफ एक और साजिश है। मकड़ियों की तरह जासू जाल फैला रखा है उन्होंने। जो मैं चाहती हूँ वो अगर बता दो तुम, कोई उनका सुराग नहीं लगा सकता। ड्रैगोस नामी बला के मालूम होने तक पल भर के लिए भी आंख नहीं झपकाएंगे हम लोग। अगर कातिल कुंदूस हुआ तो उसके साथ मैं अपना सर भी कटवा दूंगा खातून। आपने जो खेल शुरू किया है इकबिल के खातून, उसे बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें बहुत लाशें देखनी है अभी और खून बहाना है इसके लिए। सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मालिक की जान भी कर्ज है मुझ पर। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ कमांडर, तो मैं किले को तबाह बर्बाद कर दूंगा। उनके बेटे को कैसे सजा दिलवानी है अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे बेटे का ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी इख्तिताम होगा। इस हार के लिए उसने अपनी बेटियों को खतरे में डाला। तलवार फेंक तो कातिल। मैं कातिल नहीं हूँ। दुश्मन हमारे अतराफ दरिंदों की तरह है, तो हम आग की मानिंद हैं। सलजान खातून, आप किससे इतनी खौफजदा हैं? मंगोलों से। अलबस्ती। अर्तुरुल गुंदूस को सूद नहीं नीकिया लेकर जाएगा। जितनी दूर भाग सकते हैं भाग लें। आज के बाद आप शिकार हैं और मैं शिकार। आज और अभी से अर्तुरुल से सरदार आलम का ओहदा वापस लेता हूँ। तुम खुद फैसला करोगे। रियासत के जोर पे आप हमें बेचा परेशान कर रहे हैं अमीर बहाउद्दीन। सोद को अपने दुश्मनों से बचाऊं या तुम जैसे झूठे अमीर से हिफाजत करूं इसकी? तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना दूंगा मैं।